हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज स्टूडियो में हम बात करेंगे भारत का भौतिक विभाजन यानी कि फिजिकल इंडिविजुअल, ये क्या, इसके बारे में पढ़ेंगे। सिक्स क्लास का लेसन सेवन पढ़ रहे हैं, जो है आवर कंट्री इंडिया, हमारा देश भारत। इसका अगला टॉपिक जो है वो है फिजिकल डिवीजन यानी कि भारत का भौतिक विभाजन। इस वीडियो का ये पार्ट टू है। पिछले वाले वीडियो में हमने भारत के बारे में सामान्य जानकारी को पढ़ा था, भारत की जो सामान्य परिचय है उसको पढ़ा था। आज पढ़ते हैं फिजिकल इंडिविजुअल यानी कि भारत का भौतिक विभाजन। फिजिकल इंडिविजुअल ऑफ इंडिया, भारत का भौतिक विभाजन। इंडिया इज मेक बाय डाइवर्सिटी ऑफ फिजिकल फीचर्स सच एज माउंटेन, प्लेट्यूज, प्लेन्स, कोडास एंड आइसलैंड, स्टैंडिंग एंड सेटेलाइट इन द नॉर्थ और आर नोबी शोर्स ऑफ हिमालयाज, हिम प्लस आलियाज मेन द अबव ऑफ द शोर्स। द हिमालय माउंटेन आर डिविजन इन टू थ्री मेन पिलर्स रेंज। द नॉर्थ मोस्ट इज ग्रेट हिमालय ऑफ हिमाद्री, द वर्ल्ड ऑफ हाई वर्ल्ड्स हाइएस्ट पीक आर लोकेट इन द रेंज। मिडिल हिमालय आज हिमाचल इन लेज इन द साउथ ऑफ हिमाद्री। मे पॉपुलर ऑफ हिल स्टेशन इन सिचुएटेड हर फाउंड ऑफ द नेम ऑफ फाइव हिल स्टेशन। द शिवालिक हिमालयाज इन द नॉर्थ ऑफ इन रेंज। द नॉर्थ इंडियन प्लेन्स इन द साउथ ऑफ द हिमालयाज द आर जनरली लिव्ड इन फैट द आर नेम्ड इन द डिपोज इन द ले एंड बाय द रिवर्स एंड हिंदू इंडस द गंगा। द गंगा द ब्रह्मपुत्र एंड देयर टेरिब्रीज द देयर रियर्स दीज आर These rear plains provide fertile land for civilization. That is the reason of the connection of population in the plains. Plains यानी मैदानों में जनसंख्या का वितरण है। In such western part of India lies a great Indian desert. It is dirty. ये क्या, सूखा है। Hot and sandy stretch of land. It has very little vegetation. To the south of the north in the plains plateaus is the Chota Nagpur in the south. This is the of number of range and valleys. Aravali Hills, one of the oldest range of mountains. विंध्याचल एंड सतपुरास आर द इम्पोर्टेंट रेंज। द रिवर्स नर्मदा एंड ताप्ती फॉलो थ्रूट दीज रेंज। दीज आर मोस्ट फॉलोइंग रिवर्स दैट ड्रेन इन टू द तिब्बतन सी। इन द वेस्ट गेस्ट ऑफ द सतपुरास बॉर्डर्स ऑन प्लेट्यू इन द ईस्टर्न घाट्स प्रोवाइड द वेस्टर्न बाउंड्रीज इन द वेस्टर्न ऑफ गोड्स। टू द वेस्ट ऑफ द वॉर्डन इन द गास्ट इन द प्लेट्यूज इन द इंडियाज। ये भारत का भौतिक विभाजन है, इसको पढ़ रहे हैं। भौतिक विभाजन क्या है भारत का, भारत के भौतिक विभाजन के बारे में पढ़ते हैं। भारत में पाई जाने वाली भौतिक आकृतियाँ जो है वो कई प्रकार से है। भारत में जो भौगोलिक आकृतियाँ हैं यानी कि फिजिकल जो शेप हैं, इसी को हम भौतिक विभाजन कहते हैं। भारत में जैसे पर्वत है, पठार है, पहाड़ है, नदियां हैं, झील है, झरने हैं, महाद्वीप है, द्वीप है, ये सभी क्या है, ये भौतिक विभाजन, ये पृथ्वी के फिजिकल इंडिविजुअल है, भौतिक विभाजन इसी को कहा गया है। उत्तर की बात करते हैं, भारत के उत्तर में हिमालय है, हिमालय जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना, हिम धन आलय, इसका अर्थ होता है यानी कि हिम यानी बर्फ, आलय मिस घर यानी कि बर्फ का घर यानी कि बर्फ से ढका हुआ क्षेत्र हिमालय है। हिमालय को भी कई भागों में बांटा गया है, जैसे तीन भागों में इसको मुख्य रूप से बांटा जाता है, तीन भागों में हिमालय को बांटा गया है। हिमालय के तीन प्रकार हैं, वो कौन कौन से प्रकार हैं, तीन प्रकार हिमालय के हैं, जिसमें सबसे ऊपर स्थित जो हिमालय है उसको हम वृद्ध हिमालय कहते हैं। क्या कहते हैं, वृद्ध हिमालय,
जो सबसे ऊपरी हिमालय है उसको कहते हैं वृद्ध हिमालय है। ठीक है, इसको याद रखेंगे आप। इसी तरह सबसे जो ऊपरी हिमालय उसको वृद्ध हिमालय कह दिया आपने इसको, या हिमाद्री भी आप कह सकते हैं, इसको हिमाद्री भी कहा जाता है, हिमाद्री, वृद्ध हिमालय या हिमाद्री। इसी श्रृंखला में जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है वो यहीं स्थित है, विश्व की सबसे चोटी जो है वृद्ध हिमालय में अवस्थित है। इसी तरह इसमें जो दूसरी जो है उसको कहते हैं मध्य हिमालय, इसका दूसरा जो भाग है उसको आप मध्य हिमालय कह सकते हैं, मध्य हिमालय। और लास्ट में शिवालिक हिमालय, मध्य हिमालय जो है ये हिमाचल प्रदेश में के आसपास अवस्थित है, और जो शिवालिक हिमालय ये हिमाचल और नेपाल तक इसका विस्तार है, शिवालिक हिमालय। ये हिमालय के तीन भाग हैं। इसी क्रम में सबसे विश्व की जो ऊंची चोटी है वो इसी में स्थित है, हिमाद्री। पांच पहाड़ियों के नाम, इनका आप नाम बताने हैं जो विश्व की, जो भारत में अवस्थित है। शिवालिक सबसे, शिवालिक जो पहाड़ी, शिवालिक जो हिमालय है वो दक्षिण में स्थित है, हिमालय के दक्षिण में अवस्थित ये बात है। हिमालय के दक्षिण में, हिमालय के दक्षिणी भाग में उत्तर का विशाल मैदान है, यानी भारत का विशाल मैदान है। हिमालय के दक्षिण में भारत का विशाल मैदान, जिसको गंगा या ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहते हैं, भारत का विशाल मैदान, इसको गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहा जाता है। ये मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियों से लाई हुई मिट्टियों के द्वारा ये मैदान निर्मित है। सबसे उपजाऊ मैदान है, विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या जो है वो यहीं निवास करती है। भारत के सर्वाधिक जनसंख्या है वो यहाँ यहीं रहती है। ज़्यादा लोग मैदानों में रहना पसंद करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि मैदानों में आसानी से यातायात के जो साधन हैं वो आसानी से सुगम, आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। कृषि के लिए सर्वाधिक जो उपयोग है, नदियाँ जो है उन्हीं का विस्तार भी यहीं ज़्यादा है, इस वजह से यहाँ लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। शिवालिक पहाड़ियों, जो पहाड़ियाँ हैं ये हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के आसपास स्थित है। तो इसी तरह भारत का भौतिक विभाजन की आगे बात करते हैं। भारत के भौतिक विभाजन की बात करें तो इसमें आप देखते हैं हिमालय के दक्षिण में गंगा का विशाल मैदान है, और ये मैदान समतल और सपाट है, ये मैदान जो है गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र और इनकी सहायक नदियों के द्वारा ये मैदान बना हुआ है, और ये जलोढ़ मिट्टी के द्वारा बनाया, जो जलोढ़ मिट्टी है, जलोढ़ मृदा है, उनके द्वारा बनाया हुआ ये मैदान है। सर्वाधिक उपयोगी मैदान है और कृषि के लिए सर्वाधिक ये उपजाऊ मैदान है, खेती करने के लिए सर्वाधिक और उपजाऊ मैदान है। विश्व जो भारत की जनसंख्या है वो सर्वाधिक यही निवास करती है। भारत के अधिकांश भाग में भारतीय मरुस्थलीय क्षेत्र स्थित है, भारत के एक भाग में मरुस्थल स्थित है, मरुस्थलीय क्षेत्र है, उसको कहते हैं मरुस्थलीय भूमि, जहाँ मिट्टी मरुस्थलीय, जहाँ मिट्टी है, जहाँ रेत ज़्यादा है, उपजाऊ मैदान नहीं है, उसको हम क्या कहते हैं, मरुस्थलीय क्षेत्र कहते हैं। जो ये क्षेत्र है ये क्या है, ये शुष्क है, सर्वाधिक गर्म है, इट इज़ हॉट, इट इज़ वेरी ड्राई, यानी कि बहुत सूखा है। वर्षा यहाँ पर 50 सेंटीमीटर से भी कम होती है। हमारे राजस्थान की बात करते हैं, राजस्थान के मरुस्थलीय प्रदेश है, सर्वाधिक यहाँ क्या है, मरुस्थलीय क्षेत्र है, यानी कि सर्वाधिक रेतीली भूमि हमारे पास है, यहाँ पर राजस्थान में ज़्यादा है। यहाँ पर वर्षा जो है 50 सेंटीमीटर से भी कम होती है, और यहाँ पर वनस्पति बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती है, वनस्पति यहाँ पर नहीं है। उत्तरी मैदानों में दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार स्थित है, प्रायद्वीपीय पठार। इनकी जो आकृति क्या है वो त्रिभुजाकार है, और इनका क्षेत्रफल भी क्या है, ऊंचा नीचा है, यानी कि ऊंचा उबड़ खाबड़ क्षेत्र धरातल है इनका। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है और उबड़ खाबड़ धरातल है। इस क्षेत्र में बहुत सी श्रृंखलाएँ हैं और घाटियाँ भी स्थित हैं, कहीं इसमें घाटियाँ हैं, कोई श्रृंखलाएँ हैं, पर्वत श्रृंखलाएँ हैं। इन सभी घाटियों से होकर इन कौन कौन से नदियाँ निकलती हैं, जिसमें विंध्याचल है, सतपुड़ा है, ये इनके क्या है, प्रमुख घाटियाँ हैं। और इन घाटियों से कौन कौन से नदियाँ निकलती है, नर्मदा है, ताप्ती है, ये इनकी नदियाँ हैं। ये पश्चिम में बहने वाली नदियाँ हैं जो अरब सागर में गिरती है, और इसी पठार में पश्चिमी घाट या सह्याद्री तथा पूरब में पूर्वी घाट स्थित है। पश्चिमी घाट का विस्तार एक समान है, पश्चिमी घाट का विस्तार कैसा है, एक समान पश्चिमी घाट का विस्तार है। इन पठारों में प्रचुर मात्रा में खनिज संसाधन, कोयला, लोहा अयस्क आदि इसमें पाए जाते हैं।
सर्वाधिक ये क्या है, खनिज संसाधनों वाला क्षेत्र है, सर्वाधिक खनिज संसाधन यहाँ पाए जाते हैं। पश्चिमी घाट में, पश्चिम में तथा पूर्व में तटीय मैदान स्थित है, तटीय मैदान है। पश्चिमी तटीय मैदान काफ़ी सकरे हैं और छोटे हैं। पूर्वी तटीय मैदान, इसको उत्तरी सरकार का मैदान भी कहते हैं, उत्तरी सरकार का मैदान है, अपेक्षाकृत छोटे हैं। वहाँ से पूरब की ओर बहने वाली नदियों में गंगा है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, जो पश्चिम ये अरब सागर, ये किस में गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नर्मदा और ताप्ती जो क्या है, वो कौन सी नदियाँ हैं, ये कहाँ गिरती है, अरब सागर में गिरती है। और ये कौन सी है, वे बंगाल में गिरने वाली नदियाँ कौन सी है, महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है और कावेरी, ये कहाँ नदी कहाँ गिरती है, ये बंगाली खाड़ी में गिरती है। ये नदियाँ अपने मुहाने पर बहुत बड़ा डेल्टा बनाती हैं। बंगाल की खाड़ी में गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा बनाया गया डेल्टा, जो सुंदरवन डेल्टा है, जो विश्व का सबसे बड़ा नदियों के द्वारा बनाया गया डेल्टा है, नदियों ने ये डेल्टा बनाया है, नदियों के द्वारा बनाया गया ये डेल्टा है। ये देखते हो इस तरीके से, ये चित्र है, ये सुनामी का चित्र है, आप देख रहे हैं, ये जब समंदर में जो लहरें उठती हैं उन सुनामी के कारण जो अस्त व्यस्त जीवन हो जाता है, लोगों जो संपर्क टूट जाता है, बाढ़ के हालात बन जाते हैं, ये सुनामी का चित्र है। इसी तरह ये फोटोग्राफ है, आप ये अपनी बुक में देख सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। ये भारत का जो फिजिकल मैप है, इसका ये मानचित्र है। देखिए इसके बारे में अपन ने बात की थी, हिमालय के बारे में, तो आप इस बुक्स में देख सकते हैं। हिमालय को अपन ने पढ़ा, आपने हिमालय को पढ़ा, तो हिमालय के तीन भाग, हिमालय जो है ये उत्तर में स्थित है, ये आप देख रहे हैं, ये हिमालय है, इसके पास में आप देख रहे हैं, ये क्या है, हिमालय का वृद्ध हिमालय वाला क्षेत्र ये है। और इसी तरह नीचे आप देखते हैं थोड़ा सा, ये हिमाचल प्रदेश से ऊपर जाते हैं तो आप देखते हैं ये जो मध्य हिमालय है, ये इस तरह के है, और शिवालिक वाले इसके पास में है, ये थोड़ा सा नीचे है जो उत्तराखंड के आसपास देख सकते हैं। ये जो हिमालय है, इसका विस्तार कहाँ से है, जम्मू कश्मीर से लेकर ये आप देखते हैं तिब्बत तक और चाइना तक, इसकी और यहाँ तक ये हिमालय का पूरा विस्तार है। ये ये ग्रीन ग्रीन देख रहे हैं ना, ये पूरा क्या है, हिमालय हिमालयाज है। और कुछ हिमालय की चोटियाँ जो हैं वो क्या है, पानी में भी डूबी हुई है, बंगाल की खाड़ी में भी आप देख सकते हैं। इसी तरह इसके दक्षिण में जो आप मैदान देखते हैं, ये गंगा का विशाल मैदान है, ये गंगा का विशाल मैदान है, जो किससे बनकर बनाया हुआ है, जो सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र और गंगा के नदियों के द्वारा, जलोढ़ मिट्टी के द्वारा ये मैदान स्थित है। इसी के पास में आप देखते हैं तो क्या है, पास में यानी राजस्थान है, जो क्या है, डेजर्ट यानी मरुस्थलीय क्षेत्र है। इसी तरह फिर अब आपने जो अगला पढ़ा था वो क्या है, प्रायद्वीपीय पठार है। प्रायद्वीपीय पठार ये भारत का सकरा सबसे मैदान, ये पूर्वी, ये पश्चिमी घाट है और ये पूर्वी घाट है। तो ये भारत का आपने भौतिक विभाजन इसमें पढ़ने का प्रयास किया था। तो ये तो था, आपने हिमालय जाना, हिमालय के बाद में गंगा के विशाल मैदान आपने पढ़े, और लास्ट में आपने पढ़ा था जो जो पठार है वो पढ़ा था, और उसके बाद में आपने जो तटीय मैदान है वो आपने पढ़े थे, तटीय क्षेत्र भारत का जो तट क्षेत्र है उससे पढ़ा था। अब भारत में कुछ जो द्वीप समूह भी है, वो द्वीप समूह कौन कौन से, उनके बारे में बात करते हैं। जो द्वीप समूह, दो द्वीप समूह हैं वो कौन कौन से हैं, आइलैंड जिसको आप कहते हैं द्वीप समूह, वो कौन कौन से हैं। भारत में दो द्वीप समूह पाए जाते हैं, जिसमें लक्षद्वीप, लक्षद्वीप समूह और अरब सागर में ये स्थित है। लक्षद्वीप कहाँ, अरब सागर में स्थित है, ये केरल के तट से कुछ ही दूर प्रवाल में स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये भारत के दक्षिणी पूर्व दिशा में स्थित है, और ये बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है। आप ये जानते हैं कि पूर्व दिशा में बंगाली खाड़ी स्थित है। आप जानते हैं कौन सा जो द्वीप समूह है वो 2004 में सुनामी से प्रभावित हुआ था, आप बताओ कौन सा वो था, तो वो था बंगाली खाड़ी में जो द्वीप समूह है वो लक्षद्वीप है, उसी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह था, उसमें सुनामी के कारण वो 2004 में बहुत प्रभावित हुआ था, उसमें कई जो क्षेत्र थे वो पानी में डूब गए थे, लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया था। समाचार पत्रों और टीवी के आपने जान, उस समय आप तो बहुत छोटे थे, तो देखा होगा कि आपने बहुत सुनामी के कारण लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हुआ था। आप इसके बारे में मालूम करेंगे कि सुनामी जो है उसके परिणाम किस प्रकार से घातक होते हैं, और जो इनकी जो लहरें, समुद्री सागरीय जो तरंगे हैं वो किस प्रकार से समुद्र में उत्पन्न होती हैं, इसके बारे में आप जानेंगे। तो ये इंडिया का फिजिकल इंडिविजुअल था जो आपने पढ़ा, तो थोड़ा इंडिया में आपको पता, आपने पढ़ा था भारत में टू ग्रुप्स हैं, जो कि आइसलैंड है, आइसलैंड में तो जिसमें दो दो
हमारे क्या हैं, दो द्वीप समूह हैं जिसमें लक्षद्वीप आइलैंड्स, लक्षद्वीप आइलैंड एंड दूसरा जो है अंडमान निकोबार आइलैंड्स, अंडमान निकोबार आइलैंड्स है, और पहला जो कौन सा है, लक्षद्वीप आइलैंड। लक्षद्वीप आर सिचुएटेड इन द अरेबियन सी, ये अरब सागर में स्थित है लक्षद्वीप। दीज आर कोर आइलैंड लोकेटेड इन द वेस्ट कोस्ट कोरल कोस्ट ऑफ केरला, ये केरल के तट में प्रवाल जो जो द्वीप है वहाँ पर स्थित है। द अंडमान एंड द निकोबार आई ऑफ द साउथ लैंड ऑफ द इंडियन माउंटेन ऑफ द वे ऑफ बंगाल, और ये जो बंगाली खाड़ी में स्थित जो आइलैंड है वो कौन सा है, वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है जो बंगाली खाड़ी में स्थित है। 2004 में आपने भी पढ़ा था, 2004 में सुनामी के कारण क्या है, कौन सा आइलैंड था वो सर्वाधिक इससे प्रभावित हुआ था, वो आइलैंड था आप जानते हैं वो आइलैंड कौन सा था, वो था अंडमान निकोबार, जिससे क्या है सर्वाधिक जिसको क्षति पहुंची थी, हानि सर्वाधिक यहाँ पर जो बाढ़ ने सुनामी ने सर्वाधिक नुकसान पहुँचाया था। तो सर्वाधिक नुकसान जो सुनामी के कारण होने वाला जो आइलैंड था वो कौन सा है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ठीक है, तो आज आपने इस वीडियो में भारत के भौतिक विभाजन को पढ़ा, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि आपने इस वीडियो में क्या पढ़ा। तो आपने इस वीडियो में आज इस पार्ट टू में फिजिकल इंडिविजुअल पढ़ा, भारत के जो भौतिक विभाजन इसको आपने पढ़ा। पहला आपने पढ़ा था हिमालय, हिमालय जो क्या है यानी कि इसका भारत का ये क्या है, भौतिक विभाजन में से एक है, जिसमें इसका अर्थ होता है हिमधन आलय यानी कि बर्फ़ का मैदान। हिमालय को तीन भागों में बांटा जाता है, वृद्ध हिमालय एंड जो दूसरा है वो मध्य हिमालय एंड शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय ये तीन हिमालय के प्रकार हैं। दूसरा आपने पढ़ा था गंगा का विशाल मैदान या उत्तर का विशाल मैदान जो हिमालय के दक्षिण में स्थित है। हिमालय के दक्षिण में स्थित जो मैदान है उसको हम कहते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र, और हम इस गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान कहते हैं। सिंधु नदियों के ये जलोढ़ मिट्टी के द्वारा लाया बनाया गया मैदान है। विश्व की सर्वाधिक भारत की सर्वाधिक जनसंख्या यही निवास करती है। ये उपजाऊ मैदान है, कृषि के लिए और यातायात के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मैदान इसको मानते हैं। ठीक है यहाँ तक। दूसरा आपने पठार पढ़ा था, प्लेट्यूज पढ़े, यानी कि जो पठार है ये क्या उबड़ खाबड़ धरातल समंदर स्थल से इनकी ऊंचाई ज़्यादा होती है। तीसरा आपने प्रायद्वीपीय क्षेत्र पढ़ा था, भारत का प्रायद्वीपीय क्षेत्र पढ़ा था, प्रायद्वीपीय तटीय क्षेत्र जिसको आप कहते हैं, ये पूर्वी तट, ये पश्चिमी तट और ये पूर्वी तट, ये भारत के तटीय क्षेत्र है। लास्ट आपने आइलैंड्स पढ़े थे, आइलैंड जो क्या है, अंडमान निकोबार जो है आइलैंड है ये वे ऑफ बंगाल में स्थित है, वे ऑफ बंगाल में स्थित है, और जो लक्षद्वीप आइलैंड है ये कहाँ है, ये स्थित है ये अरेबियन सी यानी कि अरब सागर में स्थित है। तो आपने इस वीडियो में इस प्रकार से फिजिकल इंडिविजुअल को पढ़ा, तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले वाले फिर से नई वीडियो में, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।